वेलकम टू ऑल इन वन। आज के वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर पे रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो है एक एपिसाइक्लॉइड की, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में है, ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड ऑफ रोलिंग सर्कल 40 मिलीमीटर। मतलब एक एपिसाइक्लॉइड बनाना है एक सर्कल का, रोलिंग सर्कल का, जिसका डायमीटर है 40 मिलीमीटर का, ठीक है। अब बोला है विच रोल्स आउटसाइड अनदर सर्कल। मतलब एपिसाइक्लॉइड जो है वो सर्कल एक और एक सर्कल के आउटसाइड में रोल कर रहा है, तो उसका डायमीटर है 150 मिलीमीटर एंड फॉर वन रिवोल्यूशन। मतलब ये वन रिवोल्यूशन के एक ड्राइंग बनाने को बोल रहा है। तो पहले देखते हैं हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे इस ड्राइंग को कि एपिसाइक्लॉइड कैसे बनता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये वाला सेलोटेप ले लिया है, ठीक है। ये एक सर्कल है, हाँ। अगर इसके ऊपर और एक ये वाला सर्कल मैंने बनाया है, ये अगर ऐसे इसके ऊपर सर्कमफेरेंस में ऐसे रोल करता है, ठीक है, ऐसे रोल कर रहा है। अभी इस सर्कल का किसी एक पॉइंट पे अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को ट्रेस करें तो क्या होगा, ये सर्कल का अगर ट्रेस करें तो ये घूमते घूमते एक लाइन बनाएगा, मतलब ऐसा एक लाइन आएगा, वही होता है एपिसाइक्लॉइड। तो उसको ड्राइंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले 150 मिलीमीटर डायमीटर का जो ये बड़ा वाला सर्कल जो लिया था मैंने, उसका जो डायमीटर है 150 मिलीमीटर। तो इसका इसको ड्राइंग करने के लिए इसका रेडियस लेना पड़ेगा, जो जिसका रेडियस होगा 75 मिलीमीटर, 150 बाई 2, 75 मिलीमीटर। तो यहाँ पे इसको कहीं भी रख के 75 मिलीमीटर लेके एक कार्ड बनाना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ड्राइंग में जितना लगेगा उतना हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन लेके जोड़ देंगे, यहाँ भी ये लाइन थोड़ा बड़ा ले लिया है मैंने। ये सारे लाइन होगा, ये सारे लाइन जो होगा वो थोड़ा हल्का सा लाइन में होगा। अब क्या है, यहाँ पर हम लोगों का जो छोटा सर्कल बनाना है वो यहाँ पर होगा। छोटा सर्कल का डायमीटर था 40 मिलीमीटर, तो हम लोग 20 मिलीमीटर को रेडियस में लेके एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पर ले लिया 20 मिलीमीटर। अब इस पॉइंट को सेंटर करके इसे बना देंगे ये वाला सर्कल, हो गया। यह है सर्कल का सेंटर पॉइंट, हम लोग यहाँ पर इसको नाम देते हैं सेंटर जीरो, सी जीरो, मतलब सेंटर पॉइंट ये जीरो पे। अब क्या है, अब इसी बड़ा वाला सर्कल का सेंटर पॉइंट से और एक आर्क हम लोगों को ये सी जीरो पे रख के बना लेना है। इस वाले सर्कल को 8 इक्वल डिवीजन में बांट लेंगे, इसको 8 हिस्सों में बांट लेते हैं। अभी 45 डिग्री सेट स्क्वायर की मदद से और भी दो लाइंस बनाना है, ये डिवीजन मेरा थोड़ा अप्रॉक्स होने वाला है क्योंकि मैं अभी टी स्केल या कोई ड्राफ्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जब
करेंगे टी स्केल से या ड्राफ्टर से, तब वो वाला एक्यूरेट आएगा। अब इस पॉइंट को नाम देते हैं ज़ीरो, जो सर्कल के इस पॉइंट को ज़ीरो, यहाँ पर जाते हैं वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड ये वाला ज़ीरो या एट, ठीक है। अब हम लोगों को इस सारे पॉइंट से लाइंस बनाने होंगे। ज़ीरो, ज़ीरो से तो है वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब ये जो सर्कल रोल करेगा तब ये कितना दूर तक जाएगा ये भी देख लेना है। तो हम लोग किसी एक हिस्से को ज़ीरो टू वन मान लीजिए या वन टू टू सेम होना चाहिए था, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने पहले ही बोला था ज़ीरो टू वन इसको ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस लाइन के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः सात एंड यहाँ पे आठ, आठ डिवीज़न क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा सर्कल जो है वो भी एट डिवीज़न में डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट को मिला के इस लाइन तक एक्सटेंड करना है। यहाँ जो पॉइंट आया उसका नाम देंगे सी वन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया एक, ये हो गया सी टू, ऐसे ही सारे पॉइंट्स को बनाना है। अब यहाँ पे नाम दे देंगे सी थ्री, सी फोर, सी फाइव, सी सिक्स, सी सेवन एंड सी एट और सी ज़ीरो। अब क्या है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को सेंटर बना के ये वन पॉइंट में जाना है, वन पॉइंट एंड सेवन पॉइंट आप लोगों का एक ही लाइन में आना चाहिए। मेरा वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसीलिए सेम पॉइंट में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। आप लोग जब प्रॉपर तरीके से करेंगे तब ठीक ही आएगा। यहाँ पर एक हो गया, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है सिक्स और टू, ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला के एक आर्क बनाना है। उसके बाद फाइव एंड थ्री, ठीक है, सेम तरह से। और नेक्स्ट में ये जो फोर पॉइंट है इससे लेके और एक आर्क। अब यहाँ जो फोर वाला पॉइंट है वो है इस पूरे हिस्से का मिडिल का लाइन, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोगों को बाद में काम आने वाला है। अब हम दिखाते हैं इससे ये सर्कल रेडियस सेम है, ठीक है, ये यहाँ है। उसके बाद ये जाएगा कहाँ, ये एक पॉइंट को ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट नंबर वन है वो घूम के इसके ऊपर चला आएगा, तब सर्कल का पोजीशन होगा ऐसा। और जो सेंटर पॉइंट ज़ीरो है वो कहाँ आएगा, ठीक उसके नीचे जो सी वन पॉइंट है उस पे। ये जब घूम के ऐसे आएगा तब वो जो सेंटर पॉइंट आएगा सी टू पे, घूम पे तीन पे आएगा तब आएगा सी थ्री पे, ठीक है। ऐसे घूमता हुआ ये वाला ज़ीरो पॉइंट फिर से यहाँ आके मीट करेगा, और जब
ये 1, 2, 3 एंड 4, या जब सी फोर ऐसे आएगा तब 0 पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तब ये पॉइंट हमारा, इसीलिए हम लोगों ने ये पॉइंट बनाया है। अब देखते हैं कैसे करते हैं, जो सर्कल का रेडियस है वो वैसे लेना होगा, रेडियस जो है वो कंपास में लेना होगा। अब सी वन में सेंटर बना के, सेंटर सी वन एज सेंटर, इस वन वाले जो आर्क जा रहा है वन वाला, उस पे उसके ऊपर एक मार्क लगाना है, यहाँ पर लगा दिया, तो ये वाला पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमारा था पी ज़ीरो, इस पॉइंट का नाम दिया, इस पॉइंट का नाम देंगे पी वन। अब क्या है, सी टू पे सेम वो सर्कल का रेडियस वाला मार्क ही लेना है, सी टू पे रख के, अब ये जो टू वाला जो कार्ड जा रहा है ब्लैक कलर का, सी टू पे रख के इसे यहाँ पर कटना है, ठीक है। वहाँ पर और एक पॉइंट आ रहा है, उसका नाम देंगे पी टू। अब होगा सी थ्री, सी थ्री पे ये जो थ्री वाला लाइन जा रहा है, थ्री वाला लाइन, उसको कटेंगे यहाँ पे, अब इसका नाम देंगे पी थ्री। अब सी फोर पे अगर हम लोग वही जो माप है वो लेके बनाना चाहेंगे, तब वो आ जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि फोर वाला लाइन तो एकदम बाहर वाला लाइन है, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करके ले लिए थे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पी फोर। उसके बाद सी फाइव पे जाके पांच वाला जो लाइन है उस पे मार्क लगाना है, सी सिक्स पे जाके सिक्स वाला जो लाइन है उस पे मार्क लगाना है, सी सेवन पे जाके ऐसे, और सी एट में हम लोग अगर बनाना चाहेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, तो पॉइंट को नाम दे पी फोर। इसके बाद ये है पी फाइव, ये है पी सिक्स, ये वाला है पी सेवन, ये वाला है पी एट, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट मैंने मार्क किया है, इन सारे पॉइंट को एक फ्रेंच कर्व लेके या कोई भी कार्ड बनाने के इंस्ट्रूमेंट लेके बनाना है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा एपिसाइक्लॉयड कंप्लीट, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है एपिसाइक्लॉयड बनाने का, और भी मेथड्स होते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया ये बनाने का, और भी दो चार और भी एक मेथड होता है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैंने सबसे आसान तरीके से ये वाला बनाना सिखाया है।